नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज मैं जूनियर ऑडिटर पोस्ट कोड 672 का पार्ट 4 आपके सामने लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 3 बना रखे हैं, अगर वो किसी ने नहीं देखे हैं वो पहले देख लें। और मैंने जूनियर ऑडिटर के 3 पेपर पहले ही अपलोड कर रखे हैं, अगर वो भी आपने देखे नहीं हैं तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। और हमारे FB पेज को भी लाइक करें, उसका लिंक मैंने चैनल की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ से वो आप लाइक करें। उस पर भी मैं कुछ ना कुछ GK रिलेटेड और अकाउंट्स के वीडियो वगैरह अपलोड करता रहता हूँ, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 61 अल्ट्रा वायर्स लोन ग्रांटेड बाय द कंपनी आर, जो कंपनी द्वारा स्वीकृत आधिकारिक ऋण है, तो कौन है वो? वॉइड है, वॉइडेबल है, वैलिड है या इलीगल है? तो वो जो होते हैं वो वॉइड होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। और 62 नंबर क्वेश्चन है आपका, कैपिटल क्लॉज ऑफ ए कंपनी कैन बी चेंज विद द परमिशन ऑफ, जो कंपनी के कैपिटल क्लॉज को किसकी स्वीकृति से बदला जा सकता है? तो किसकी स्वीकृति से बदला जा सकता है? लॉ बोर्ड के द्वारा, रजिस्ट्रार के द्वारा, कोर्ट के द्वारा या फिर नन ऑफ दिस? तो 62 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कोर्ट के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है, हु कंसीव्स द आइडिया ऑफ द बिजनेस, कौन व्यवसाय के विचारों को प्रकट करता है? डायरेक्टर करता है, प्रमोटर करता है, ऑडिटर करता है या सेक्रेटरी करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका प्रमोटर, ठीक है। 63 का जो राइट आंसर है वो है प्रमोटर, क्योंकि प्रमोटर ही वो व्यक्ति होता है जो व्यवसाय का पहले संचालन करता है, जो आइडिया लेके आता है बिजनेस का, वो प्रमोटर ही होता है, ठीक है। और ऑडिटर का तो पता ही है, वो जो हमारे अकाउंट्स वगैरह होते हैं उनको वो ऑडिट करता है, उनकी वो जांच करता है कि लेखे जो हैं वो सही रूप से बनाए हैं या फिर कोई गड़बड़ी तो नहीं है उनमें, तो उस चीज़ की वो जांच करता है, ठीक है, ऑडिटर। नेक्स्ट है आपका, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो नोन एज, जो पूर्व समावेशन संविदा को यह भी कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसे? प्रोविजनल कहते हैं, प्रिलिमिनरी कहते हैं, लीगल कहते हैं या लीगल कहते हैं? तो 64 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर पी, से बोलते हैं प्रिलिमिनरी, ठीक है, प्रारंभिक, ठीक है। जो भी व्यवसाय को से पहले स्थापन के जो भी व्यय होते हैं उन्हें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, वही है ये भी। नेक्स्ट है आपका 65, विच प्रोस्पेक्टस वर इशूड इन केस ऑफ सिक्योरिटी फेयर इशूड इन स्टेजेस, जो सिक्योरिटीज को तब को में जारी किए जाने के मामले में कौन से परिवर्तन जारी किए जाते हैं? तो कौन से किए जाते हैं? डीम्ड किए जाते हैं, सेल्फ किए जाते हैं, रेड हीरिंग किए जाते हैं, नन ऑफ दीज? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ, ठीक है। प्रोस्पेक्टस वो होता है, डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के बारे में बताया गया होता है, कितनी पूंजी है, कितने शेयर इशू करेंगे, ये सारी चीज़ें जो डिटेल रहती है ना वो प्रोस्पेक्टस में ही होती है। उसका जो भी उसका उद्देश्य क्या है व्यवसाय का, उसका लॉन्ग टर्म गोल वगैरह क्या है, वो सारी चीज़ें प्रोस्पेक्टस में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, हु डिक्लेयर ए कंपनी एज ए सिक्स कंपनी, तो इसके जो ऑप्शन है VIFR है, MRTP है, फेरा है, RBI है। जो RBI होती है तो बैंकों का रेगुलेशन करती है, फेरा जो होती है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट है, इसमें जो फॉरेन से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह होती है तो उसका जानकारी देता है फेरा,
और इसका जो राइट आंसर है वो है VIFR, ठीक है। नेक्स्ट है 67, when the share are transferred to X from Y will be a dash of the company। तो मेंबर होता है, शेयर होल्डर होता है, पार्टनर होता है, नन ऑफ दीज। तो 67 का जो राइट आंसर है वो होता है मेंबर, ठीक है। जब अंशों को X से Y को स्थानांतरित किए जाते हैं तो Y कंपनी का मेंबर बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज, जो एक शून्य संविदा है, तो क्या है, ए एन इलीगल एग्रीमेंट, पार्शली वैलिड एग्रीमेंट, सीज टू बी ए वैलिड एग्रीमेंट, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है 68 का वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये जो होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या होता है ये पूछा है इसमें। नेक्स्ट है 69, एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बिफोर मैरिज बिटवीन मुस्लिम वाइफ एंड हस्बैंड दैट द वाइफ शैल बी एट लिबर्टी टू लिव विद हर पेरेंट्स आफ्टर मैरिज इज। तो ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड है, वॉइड है, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ हस्बैंड, या फिर इलीगल है। तो 69 का जो राइट आंसर है वो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन, STR इज ए, ये जो STR का क्वेश्चन है ये हर एक पेपर में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप ढंग से पढ़िए। तो STR क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट। तो क्या होता है, गोल्ड पेपर होता है, बॉन्ड होता है, वाइट पेपर होता है, या गोल्ड होता है। तो इसका जो राइट आंसर है 70 का वो होता है गोल्ड पेपर, ठीक है। नेक्स्ट है 71, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर रेफर टू, तो ये अपरिवर्तनीय ऋण पत्र से संदर्भ है। तो क्या है, ओनर्स कैपिटल होती है, लोन कैपिटल होती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल होती है, ऑल ऑफ दीज होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये होती है लोन कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट है 72, गुडविल अराइजिंग ऑन अमलगामेशन इज टू बी, जो सममेलन से उत्पन्न किया थी। तो ये क्या होती है, रिटेन इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी, या अमोर्टाइज टू इनकम ऑन सिस्टमेटिक बेसिस, एडजस्टेड अगेंस्ट रिजर्व एंड PL&L अकाउंट, आइदर ए और बी। तो इसका जो राइट आंसर है 72 का वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अमोर्टाइज टू इनकम ऑन सिस्टमेटिक बेसिस, ठीक है। ये जो होती है सुव्यवस्थित आधार पर आय का परिशोधन होना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 73, एक कंट्रीब्यूटरी से क्या होता है, कंट्रीब्यूटरी एक क्रेडिटर होता है, शेयर होल्डर होता है, डिवेंचर होल्डर होता है, या नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शेयर होल्डर, ठीक है। इसका जो आंसर है ये एक बार पहले भी पूछा गया था क्वेश्चन किसी पेपर में, मैंने करवाया था, लेकिन उसमें जो था इसका आंसर प्रेफरेंस शेयर होल्डर था। तो इसमें थोड़ा मैं डाउटफुल हूँ, अगर यही आंसर होगा तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है, तो ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड है, इसे आप खुद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पार्टनरशिप से रिलेटेड है, तो ये जो है एक्स वाई जेड आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 1:1/2 और 2:5 एंड 1:10, द न्यू रेशियो ऑफ वाई एंड जेड इफ एक्स रिटायर विल बी। तो आपको एक्स अगर रिटायर कर दे जाता है तो Y और Z की न्यू रेशियो बतानी है, ठीक है। तो इसका जो है आप मेरे को आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और जिनको नहीं आता होगा वो भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, और इसका आंसर मेरे को आप कमेंट में
बताना, ठीक है। नेक्स्ट है 76, रियलाइजेशन अकाउंट इज ए विच टाइप ऑफ अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, रियल नहीं होता है, पर्सनल भी नहीं होता है। रियल अकाउंट का जो रूल होता है वो कई बार ये भी पूछ लेते हैं, तो पर्सनल का भी पूछ सकते हैं और नॉमिनल का भी। और इनके अंदर कौन कौन सी मतलब जो है खाते आते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं, तो आप उनको भी देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 77, विच द फॉलोइंग इज ए फील्ड कॉस्ट। तो इसका जो ऑप्शन है, वेरिएबल कॉस्ट है, ओवरहेड कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट है और फिक्स कॉस्ट है। तो 77 का जो राइट आंसर है वो है फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। फिक्स कॉस्ट इज ए फील्ड कॉस्ट। नेक्स्ट है आपका 78, इफ द शेयर ऑफ रुपीज 10 ऑन विच रुपीज 6 हैव बीन पेड इज फॉरफिटेड, इट कैन बी रीइश्यूड एट मिनिमम प्राइस ऑफ। यदि एक दस रुपये का 6 भरपाई हुए शेयर को जब्त किया जाता है तो वह किस न्यूनतम कीमत पर पुनः जारी किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है 78 का वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 6 पे अगर इशू करते हैं, 6 हमें 10 पे इशू करते हैं, 6 हमें पहले ही मिल गए हैं, तो बच्चे कितने 4, तो उसे 4 पे दोबारा रीइशू कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द प्रॉफिट इज रुपीज़ 15 एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 20% ऑफ द कंट्रीब्यूशन विल बी, यदि लाभ 15 है और सुरक्षा सीमा 20% है तो अंशदान होगा, तो कितना होगा? 79 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 75, ठीक है। 75 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 80, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो हैव ए नेगेटिव रिलेशन विद प्रॉफिटेबिलिटी। तो किसका होता है, ऑपरेटिंग रेशियो है, प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, नेट प्रॉफिट रेशियो है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो कौन सी अनुपात का लाभकर्ता से ऋणात्मक संबंध होता है, तो कौन सी होता है? तो 80 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग रेशियो हैज ए नेगेटिव रिलेशन विद प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है 81, लाइफ ऑफ एसेट्स इज 5 ईयर, इनिशियल आउटले इज 50,000, एस्टिमेटेड एनुअल कैश फ्लो इज 12,500, IRR विल बी। तो यदि संपत्ति की आयु 5 वर्ष है, प्रारंभिक लागत 50,000 अनुमानित है, वार्षिक नगद प्रवाह 12,500 है, तो IRR होगा कितना होगा? तो 81 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 8%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज यूडीएम। तो जो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का उपयोग इस दौरान हुआ था, तो कब हुआ था? 1930 से 1945 के बीच में, या फिर 1946 से 1959 के बीच में, या फिर 1915 से 1940 के बीच में, या फिर 1910 से तो 1925 के बीच में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 82 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, कॉस्ट बिहेवियर एनालिसिस अप्लाइज टू। जो लागत व्यापार विश्लेषण लागू होता है, तो रिटेलर्स पे, होलसेलर पे, मैन्युफैक्चरर पे, या ऑल ऑफ दीज पे। तो इसका जो राइट आंसर है 83 का वो है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, द वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड इज आल्सो नोन एज। तो परिवर्तनशील लागत विधि को इस नाम से भी जाना जाता है, डायरेक्ट कॉस्टिंग मेथड, इनडायरेक्ट कॉस्टिंग अप्रोच, ऑब्जर्वेशंस कॉस्टिंग मेथड, या फिर फील्ड कॉस्ट अप्रोच।
इसका जो राइट आंसर है 84 का वो है ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट कॉस्टिंग मेथड। नेक्स्ट है 85, CVP एनालिसिस डज नॉट कंसीडर। दो लेवल ऑफ एक्टिविटी है, ऑप्शन बी है आपका फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है या फिर सेल मिक्स है। तो इसका जो राइट आंसर है 85 का वो है ऑप्शन नंबर बी, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। तो ये थे इस पेपर के, मैंने अभी 35 क्वेश्चन किए, सॉरी 25 किए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।